तो उन्होंने जाके कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं करनी चाहिए और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनकी याचिका को खारिज कर दी। इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा। महुआ मित्रा का मुंह जो है वो बहुत बड़ा है और वो कुछ भी सोच समझ करके नहीं बोलती। तो जो औरतों के बारे में खुद इस तरह की बात करती है, तो आपको लगता है ऐसी औरत का चीरहरण करने की दरकार है? उन्होंने जाके कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं करनी चाहिए और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इतनी सारी एफआईआर जब स्टेट ने खुद दर्ज की है, इसका मतलब जरूर वहां कुछ हुआ है और इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऑर्डर हुआ था कोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें एक कैंप सीबीआई का वहां बैठाया गया था। तो उस कैंप के दौरान भी वहां पर एक औरत है अन्वेषा मंडल, जिसको जबरन घर से अबडक्ट कर लिया गया और उनका रेप भी हुआ, जिसकी कंप्लेन भी फिर हमने सीबीआई के पास करवाई। तो इस तरह की जब घटना थी और पोस्ट पोल का भी आपने इफेक्ट संदेश काली में देखा था कि काफी लोगों को फिर से घर से निकाल दिया गया था, तो यही डिवीजन बेंच के ऑर्डर से लोगों को वापस घर भी घुसाया गया। तो संदेश खाली को लेकर के ये जो भी कह रहे थे कि सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार बता दिया कि जरूर कुछ घटा है, इसीलिए जांच जो है सीबीआई कर रही है। इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सर, माथे पर रखते हैं। हम तो हमेशा जुडिशरी का सम्मान करते हैं। जुडिशरी का रास्ता पकड़ के ही, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ के, हाईकोर्ट का रास्ता पकड़ के ही मैंने संदेश खाली के लोगों को जो है एक रास्ता दिखाया और जिसके कारण आज वो सुरक्षित हैं। महुआ मित्रा का मुंह जो है वो बहुत बड़ा है और वो कुछ भी सोच समझ करके नहीं बोलती। शायद यही कारण है कि कुछ दिनों पहले कैश फॉर क्वेरी मैटर में भी जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी थी और उन्हें सांसद से धक्के मार के निकाल दिया गया था, और इस बार फिर उन्होंने एक औरत की गरिमा पर प्रश्न उठाया है। देखिए, एक औरत होते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा चीरहरण हो रहा है, कौरव कमेटी जो है कौरवों की कमेटी है और मेरा वस्त्र हरण किया गया। तो जो औरतों के बारे में खुद इस तरह की बात करती हैं, तो आपको लगता है ऐसी औरत का चीरहरण करने की दरकार है?